देखिए स्थानीय लोग हैं, ये स्थानीय लोग हैं और यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई बड़ा पॉपुलर लीडर है जिसको देख करके ये लोग जो है वो चीरअप कर रहे हो। बाहर विदेशों से लोग आकर के इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, छुट्टियां लेकर के आ रहे हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं वो यात्रा से कैसे जुड़ रहे हैं और लोग किस जज्बे से और किस ताकत से न जाने किस तरह से जो है वो यात्रा के अंदर आ रहे हैं। आपको क्यों लगता है ये यात्रा में जुड़ना क्यों जरूरी है? आप छुट्टी लेकर के आए हैं, परिवार के साथ में एंजॉय करिए, फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करिए, थोड़ा पिकनिक मनाइए। नहीं नहीं नहीं, इसमें और ये पॉलिटिक्स में बहुत लाजिम बहुत मस्ट है ये यात्रा। एक साल के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन आएगा, उसमें ये यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा कट रहा है, 40 दिनों का पैसा कटेगा, बड़ा अमाउंट कटेगा, लेकिन फिर भी जो है ये यहाँ पर आए। भारत यात्रा में लगातार आपको भारत यात्रियों से मिलवा रहे हैं, लोगों की किस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बाहर विदेशों से लोग आकर के इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, छुट्टियां लेकर के आ रहे हैं। और ऐसी एक शख्स हमारे साथ में है जो कि सऊदी अरब से आए हैं, छुट्टी ली है और छुट्टी लेकर के लगातार यात्रा में चल रहे हैं और अब उस छुट्टी को बढ़वाया भी है। तो तमाम लोगों से हम मिलवाते रहते हैं। प्रतिभा जी से आप मिल कई बार जो है वो आपने देखा है, 119 यात्रियों में से हैं, लेकिन एक शख्स से आप मिलवाते हैं, ये सऊदी अरब से है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहिन बादशाह। माहिन बादशाह प्रसादी। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ये अभी केरला वाला है, लेकिन अभी सऊदी से है, हमारा जॉब उधर सऊदी में मदीना में, हमारा हज उमरे के काम है, उसके मैं छुट्टी लिया है 40 दिन का, उसके बाद मैं मैसूर में गुंडलपेट में ज्वाइन किया ये यात्रा में, सिर्फ यात्रा के लिए मैं उधर से छुट्टी में आया। अभी 40 दिन का छुट्टी है, उसके बाद मैं एक्सटेंड करेगा, 40 दिन पूरा इसके साथ है। अभी 1 तारीख को आप जुड़े, आज 14 दिन हो चुके हैं। सही है। तो और 40 दिनों तक इस यात्रा में जुड़े रहेंगे। सही है सही है। तो कोई कार्यकर्ता है या आप कॉमन मैन है? भाई कॉमन मैन है, लेकिन मैं प्रवासी लोगों की वेलफेयर का काम करता है उधर सऊदी अरेबिया में, प्रवासी लोगों का, इंडियन लोगों का बहुत वेलफेयर करता है, उसके तरफ से मैं इंटरेस्ट किया है, लेकिन ये यात्रा बहुत मस्त है। अभी एक साल के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन आएगा। नहीं, लेकिन आपको क्यों लगता है ये यात्रा में जुड़ना क्यों जरूरी है? आप छुट्टी लेकर के आए हैं, अपना पैसा भी वहाँ पर जो है वो कट रहा होगा शायद आपका, और परिवार के साथ में एंजॉय करिए, फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करिए, थोड़ा पिकनिक मनाइए। नहीं नहीं नहीं, इसमें और ये पॉलिटिक्स में बहुत लाजिम बहुत मस्ट है ये यात्रा। एक साल के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन आएगा, उसमें ये यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है। एक यूनिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसमें ये यात्रा बहुत मस्ट है, वो के लिए मैं छुट्टी में आया। तो कब आपने डिसाइड किया कि आप यात्रा में जाएंगे और अपनी छुट्टियां लेंगे, तो छुट्टियों को जो है वो यात्रा में यूज करेंगे? केरला में वो कन्याकुमारी शुरू करने के बाद मैंने डिसाइड किया है। ये मैसेज बहुत अच्छा है, ये मैसेज का साथ जाने का बहुत मस्त है एक इंडियन आदमी का। अभी बहुत आदमी इंटरेस्ट किया है, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिला इधर वापस आने का, इधर यात्रा में कंटिन्यू करने का। बहुत आदमी प्रवासी लोग, लेकिन उसको क्या हुआ, छुट्टी नहीं मिला, ऐसा उधर जॉब किया है, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद थोड़ा थोड़ा आदमी मेरे पास ज्वाइन करेगा यात्रा में। समझने की कोशिश कीजिए, हम इनसे कुरेद करके थोड़ा पूछ रहे हैं कि छुट्टी मिली है तो छुट्टी को परिवार के साथ में थोड़ा दोस्तों के साथ में एंजॉय करें, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब ये यात्रा की शुरुआत हुई तमिलनाडु से, उस वक्त मैंने तय किया कि मैं इस यात्रा से जुड़ूंगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं विदेशों में जो रह रहे हैं, वो भी आकर के इस यात्रा से जुड़ना चाह रहे हैं। और देखिए बहुत बड़ी बात है कि 40 दिनों का आपका पैसा उधर कट रहा है क्या, या कैसे छुट्टी कैसी है आपकी? ये वो पैसा नहीं मिलेगा, हमारा पैसा नहीं मिलेगा 40 दिन का? नहीं नहीं नहीं, तो भी आप यात्रा कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू करेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि पैसा जो है वो कट रहा है, पैसा नहीं मिलेगा इन 40 दिनों का, और फिर भी जो है आदमी अपना परिवार छोड़ करके अगर बाहर गया है तो जाहिर तौर पर वो कमाने के लिए गया है, जाहिर तौर पर अपने परिवार के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और चिकित्सा वो हो सके उसके लिए गया है। पैसा कट रहा है, 40 दिनों का पैसा कटेगा, बड़ा अमाउंट कटेगा, लेकिन फिर भी जो है ये यहाँ पर आए। कितना आपको इकोनॉमिकली अगर बात करें तो कितने पैसे का नुकसान होगा? लेकिन हमारा तकरीबन एक दिन में 400 रियाल 350-400 रियाल का इंडियन अगर रुपये से बात करें तो कितना होगा? 6,000-7,000 का है। 6,000-7,000 एक दिन का। हाँ, 6,000-7,000 रुपये एक दिन का इनका नुकसान हो रहा। कई सारे लोग कमेंट करते हैं, भाजपा के कई नेता जो है वो आरोप लगाते हैं कि 500-500 रुपये में भीड़ बुलाई हुई है। यहाँ पर ये देखिए
अपनी नौकरी छोड़ करके आए, 6-7 हज़ार रुपये का रोजाना नुकसान हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि इस यात्रा से कुछ बदलेगा? समझा नहीं। दिस यात्रा कैन चेंज एनीथिंग इन इंडिया? ओ चेंज क्या, वो पूरा चेंज आएगा उसका, यात्रा के बाद सब कुछ पॉलिटिक्स चेंज आएगा। उसमें बहुत इसका मुद्रा हुआ कि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है, लेकिन पॉलिटिक्स यूनिटी आएगा। अभी यूनिटी कुछ भी नहीं है, अलग अलग जगह में वो सिचुएशन पूरा अलग अलग जगह में। यात्रा के बाद पूरा एक ही आएगा। अभी यात्रा में भी एक ही है, वही हमारा ये उधर से लोगों की मैं बात किया है, क्या मकसूद क्या बेनिफिट इसका यात्रा के, पूरा आदमी बोला इसमें यूनिटी आएगा, मेन यूनिटी है। उसके बाद अलग अलग बेनिफिट आएगा यात्रा में। तो लेकिन मोदी सरकार का सबसे बड़ा जो क्रेडिट वो लेते हैं, वो इसी बात का लेते हैं कि विदेशों में बहुत नाम हुआ है इंडिया का मोदी जी के आने के बाद। आप तो वहाँ पर खुद बाहर रहते हैं, बाहर के मुल्क में रहते हैं, आप किस तरह से फील करते हैं? लेकिन उसका इंडिया में पूरा दिन का न्यूज़ बहुत प्रॉब्लम है उसका, पूरा उधर का गवर्नमेंट का तरफ से उसका गवर्नमेंट का रूल में अच्छा है, लेकिन उसको दूसरा अंदर में पूरा खराब बात है। लेकिन पूरा दिन का न्यूज़ यूनिटी खराब हो गया, पूरा दिन का मुसलमानों की प्रॉब्लम है, दलित लोगों की प्रॉब्लम है, सब कुछ वो न्यूज़ उधर पूरा डिस्कस किया है, पूरा आदमी सऊदी लोग यूएई कतर सब कुछ गल्फ कंट्रीज में। यानी यहाँ पर जो कुछ होता है वो वहाँ पर लोग आपस में बातचीत करते हैं उसके बारे में? सही, उसके बारे में सब कुछ बात करेगा। अच्छा, कैसे वो पूरे एक न्यूज आएगा तो हमको बात करेगा क्या इंडिया में कैसे क्यों आया, वो 10 साल का पहले ऐसा नहीं है, पूरा आदमी का फॉलो किए इंडिया का पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, वर्ल्ड में बहुत अच्छा है, क्या यूनिटी है, मेन यूनिटी है, लेकिन अभी यूनिटी नहीं है, क्या प्रॉब्लम इंडिया में, ऐसा पूरा आदमी उधर का लोग अरबी लोग हमको पूछेगा पूरा टाइम। अच्छा, इधर जब बीजेपी के एक सांसद ने मुस्लिमों के बॉयकॉट की बात कही दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी के सांसद हैं वो, और उन्होंने दिल्ली में खड़े होकर के कहा कि मुस्लिमों का टोटल बॉयकॉट करो, अभी 3-4 रोज पहले की बात है। ऐसी चीजें जब यहाँ पर होती हैं तो भारत की जो इमेज है उसको सऊदी अरब में कैसे देखा जाता है? लेकिन क्या हुआ, इसका सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, उसको मालूम है उसका संघ परिवार कौन सा है, इसका पॉलिटिक कौन सा है, हिंदू लोग मुस्लिम लोग कैसे है, पूरा आदमी का मालूम है। हिंदू लोग के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा आदमी का मालूम है, इधर हिंदू लोग मुस्लिम लोग अच्छा यूनिटी है, लेकिन गवर्नमेंट संघ परिवार गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, उसकी एजेंडा बहुत प्रॉब्लम है, यूनिटी खत्म करने का एजेंडा है, उसमें चलता है, वो पूरा आदमी का मालूम है। अभी इसका ये रिलीजन्स का प्रॉब्लम नहीं है, रिलीजन मुस्लिम रिलीजन हिंदू रिलीजन सब कुछ एक ही है, यूनिटी में चलता है, लेकिन पॉलिटिक्स संगवार पॉलिटिक्स बहुत ख़राब है, इधर का हुकूमत गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम है, ऐसा बात किया है। तो आपको अभी कितने और दोस्तों ने बोला है कि वो आएंगे इस यात्रा में जुड़ेंगे, कितने और दोस्त हैं? तकरीबन 20-25 आदमी अभी रेडी है, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिला है उधर सऊदी अरबिया से, वो इधर आकर के यात्रा से जुड़ेंगे। सही, सऊदी अरबिया से। देखिए, तो एक देखिए बहुत बड़ी बात है, और ये कह रहे हैं कि 20 लोग करीब ऐसे मेरे दोस्त और हैं जो सऊदी अरब से छुट्टी ले करके वो यहाँ पर इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं। और जरा तस्वीरें आप हम लगातार दिखा भी रहे हैं, जरा एक बार दिखा दीजिए आप। देखिए स्थानीय लोग हैं और यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई बड़ा पॉपुलर लीडर है जिसको देख करके ये लोग जो है वो चीरअप कर रहे हो, तो जो स्थानीय लोग हैं वो यात्रा से कैसे जुड़ रहे हैं, और लोग किस जज्बे से और किस ताकत से न जाने किस तरह से जो है वो यात्रा के अंदर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक जो लगातार इस यात्रा को लेकर के भाजपा की तरफ से या अन्य लोगों की तरफ से जो बात कही जा रही है कि 500-500 रुपए की भीड़ लाई जा रही है इस यात्रा के अंदर, तो आप ये देखिए 500-500 रुपए की भीड़ है या लोग अपने 5-5, 7-7 हज़ार रुपए का नुकसान वो एक दिन में सहन कर रहे हैं इस यात्रा से जुड़ने के लिए। तो बहरहाल ऐसे ही लगातार भारत यात्रा के कुछ अनछुए पहलू आप तक पहुँचाते रहेंगे, कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे लोग जो इस यात्रा में कहीं पर नहीं है लेकिन फिर भी वो इस यात्रा में है और इस यात्रा का हिस्सा है, उनसे आप तक मिलवाते रहेंगे। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।